तो शिल्पी जी कैसा आपका सफर कैसा रहा, आपका करियर की शुरुआत से लेकर अब तक का सफर कैसे अपने जर्नी शुरू किया? जैसा कि मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा फेमस थी, जिसके कारण मुझे थोड़ा आसान हो गया यहाँ इंडस्ट्री में आके काम करना। लोग देखने लगे, फिर कॉल आने लगा कि आप आओ यहाँ काम करो। तो मैं अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट करती आई शुरू से, और वही है कि सबको पसंद आया मेरा काम, थोड़ा बहुत अच्छा लगा सबको, सब सपोर्ट किए, जिसके कारण मैं आज फिल्म कर रही हूँ और मुंबई में आके शूट कर रही हूँ मैं। तो फिल्म अब की कौन कौन आने वाली है? अभी तो एक ही फिल्म की शूटिंग हुई है मेरी, चिंटू की दुल्हनिया, तो वो भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है थिएटर में। तो चिंटू की दुल्हनिया बन के कैसा लगा आपको? उस फिल्म में मैं चिंटू की दुल्हनिया नहीं हूँ, मतलब मैं उसको खुलासा नहीं कर सकती हूँ। आप लोग मतलब देखेंगे तो अच्छा लगेगा। वो फिल्म बहुत अच्छी है, स्टोरी है, सीक्वेंस है बहुत ज़्यादा उसमें, और होता है ना कि कौन है कौन है कौन है, अभी मैं उसका खुलासा नहीं कर सकती, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और वीडियो एल्बम सॉन्ग की बात की जाए तो कौन कौन स्टार के साथ आप अब तक गाने कर चुके हैं? मैं सबके साथ गाने की हूँ, एक प्रमोद प्रेमी जी हैं उनके साथ मेरा गाना नहीं हुआ है, बाकी सबके साथ गाना हुआ है। बड़े स्टार में पवन सर, खेसारी सर, अंकुश राजा, समर सर, सबके साथ हुआ है मेरा। कल्लू जी के साथ भी हुआ, नीलकमल जी के साथ हुआ, गुंजन जी के साथ हुआ, सबके साथ हुआ है। अच्छा, पवन जी और खेसारी जी दोनों स्टार के साथ आप काम कर चुकी हैं, दोनों लोग कहीं कहीं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, आप क्या कहना है उनके झगड़े और अभी जो नहीं नहीं इस बात पे तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के बीच बहुत प्यार है और ऐसा कुछ नहीं है कि एक दूसरे के प्रति कुछ ऐसा मन में भावना हो, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों लोग सही है और अच्छे इंसान। अभी भरत मिलाप हुआ था पवन जी के साथ, जी का उसमें कितना हैप्पी है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा देख के कि ऐसे तो मतलब पब्लिक के बीच उतना प्यार दिखे, उनके फैंस भी बहुत खुश थे और हम आर्टिस्ट लोग जितने हैं सब लोग बहुत खुश थे उन दोनों भाई को साथ में देख के। तो अभी खेसारी जी ने 2.5 करोड़ की गाड़ी लिया, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, अच्छी बात है, सर ले सकते हैं, वैसा सर इतना मेहनत करके वहाँ तक गए हैं तो लेना तो बनता है। पवन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर भी बहुत अच्छे हैं और मतलब उनके बारे में क्या ही बोलूँ, उनका आवाज़ और उनका गाना इतना पसंद आता है सबको, तो बहुत अच्छे इंसान है और गाने बहुत मस्त गाते हैं सर। आपका ड्रीम क्या है, अपने आप को आगे चल के कहाँ देखने चाहती हैं, किसको आदर्श मानती हैं? मैं सबको देख के कुछ ना कुछ सीखी हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान है, मैं सबको नोटिस की थी शुरू से ही, बचपन से ही मैंने ऐसा एक्टिंग का कीड़ा था मेरे अंदर कि करना है लाइक उस टाइप का था, तो बचपन से ही देखते आ रही हूँ सारी चीज़ें और सबको देख के कुछ ना कुछ सीखी हूँ मैं और अभी भी सीख रही हूँ मैं, तो बस ऐसे ही आगे सीखते रहना है और काम करते रहना है। कौन एक्ट्रेस को आप अपना आदर्श मानती हैं? ऐसे तो मैं आम्रपाली जी को ज़्यादा पसंद करती हूँ, काजल राघवानी जी को, अक्षरा जी को, तो सब मेरे भी आदर्श हैं। तो कहीं काजल राघवानी की वजह से आप शिल्पी राघवानी बन गई, ऐसा तो नहीं है? बहुत लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि आप दोनों कहीं बहने तो नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं राघवानी टाइटल मुझे सर जो मेरे संगीत के टीचर थे वो मुझे ऐसा बोले कि आप राघवानी लगा लो, तो मैं ऐसे ही नॉर्मल, उस टाइम पे तो मैं फेमस नहीं थी, तो राघवानी टाइटल मैं लगाई और उसी राघवानी टाइटल से मैं फेमस हो गई, तो मैं उसको चेंज नहीं की दोबारा। चलिए, तो बहुत बड़ी बात है और आपको बधाई हो, आगे भी करियर आपके से बढ़ता रहे। जाते जाते एवरेस्ट भोजपुरी को लेकर के ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही बोलूँगी कि आप लोग, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि एवरेस्ट भोजपुरी से मैं बहुत सारा गाना, सोलो गाने और डुएट गाने कर रही हूँ और भी गाने करूँगी मैं, तो आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और जो भी गाना इस चैनल से आ रहा है उस गाने को आप ढेर सारा शेयर कीजिएगा और पब्लिक, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप लोग बड़े लेवल तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है वीडियो और ऑडियो और आप लोगों के बीच अच्छा अच्छा गाना लाने का सोच रही है, तो आप लोग इस चैनल को ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। हाँ, और भोजपुरी, एवरेस्ट भोजपुरी को आप लोग देखते रहिएगा। थैंक यू।